अगर आप भी अभी तक पांडे टेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली के एक और एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करें अगर अपने देश की इकनॉमी की, तो आज इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले 72.24 रुपये नोट किया गया। अगर बात करें पहली अपडेट की, तो पहला अपडेट हुआई की तरफ से। हुआई ने आज एक रेंडर लीक करते हुए बताया कि उसका आने वाला हुआई P20 Pro Mate में 3 रियर कैमरे होने वाले हैं, जो कि एक 40 मेगापिक्सल का, एक 20 मेगापिक्सल का, एक 8 मेगापिक्सल का होने वाला। इन तीनों कैमरों के कम्बिनेशन से एक ऑप्टिकल इमेज एनालिसिस कर पाएगी, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इमेज के लिए। और इसके कुछ टेस्ट लीक हुए हैं जिनमें इनको दिखाया गया कि ये किस तरफ से उस केस के ऊपर ये फ़ोन दिखता है। अगले अपडेट की बात करें तो जियोमी की तरफ से, जियोमी मी नोटबुक यूथ का लॉन्च किया है। इसकी कीमत 48,300 रुपये है। इसमें 8 GB की रैम और 2 GB ग्राफिक कार्ड दिया गया है। इसमें इंटेल का 8th generation i5 प्रोसेसर दिया गया है। ये 15.6 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें 128 GB की SSD कार्ड लगी हुई है। विंडो 10 पे ऑपरेट होता है। अगली अपडेट की बात करें तो नोकिया 7.1 की तरफ से, नोकिया की एक रेंडर लीक में पता चला है कि आने वाले नोकिया प्रीव्यू नोकिया 7 की तरह ही होगा, उस 7 प्लस की तरह ही होगा। उसमें भी सेम मॉडल यूज किया गया है, बस थोड़ी सी अपग्रेडेशन कर दी गई है सॉफ्टवेयर और कुछ स्पेक्स में, जिसमें कि वही बैक कैमरे में डबल रियर कैमरा, उसके नीचे फिंगरप्रिंट, फ्रंट साइड में कोई नॉच नहीं दिख रही है। अगली अपडेट की बात करें तो व्हाट्सएप की तरफ से एक बीटा लीक में पता चला है कि कुछ ही दिन में अपना एक अपडेट जारी करने वाला है, जिसके माध्यम से अगर आप अपने नोटिफिकेशन पैनल में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन चेक करेंगे, तो वहाँ से डायरेक्ट जो नीचे उसका मैसेज आता था रिप्ले करने के लिए, नीचे ऑप्शन मिलता था, वो डायरेक्ट वहीं लाइन में साइड में आ जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे। और एक अपडेट और आने वाला है स्वाइप टू रिप्ले एंड डार्क मोड व्हाट्सएप में। अगली अपडेट की बात करें तो वन प्लस की तरफ से, वन प्लस ने अपने आने वाले फ़ोन वन प्लस 60 की प्राइस की अनाउंसमेंट कर दी है। ये फ़ोन $555 में आएगा। इसका प्रीव्यू फोन वन प्लस 6 जो था वो $529 में था। इसमें 3.5 mm का कोई ईयरफोन जैक नहीं होगा, साथ ही ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इस फोन में होगा। ये पुराना प्रीव्यू अपना प्रोसेसर यूज कर रहा है, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 है। अगली अपडेट की बात करें तो वाई की तरफ से, एप्पल के प्रोसेसर को टक्कर देने के लिए वाई ने अपना एक क्रीन 980 लॉन्च कर दिया। इस प्रोसेसर में 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, और साथ ही कंपनी ने दावा किया कि ये 20% ज़्यादा फास्ट स्मूथ होगी और ये 40% तक बैटरी एफिशिएंट होगी, एनर्जी बचाएगी। इस प्रोसेसर में AI फीचर को ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, और ये 2018 के Q4 में कुछ फ़ोनों में देखने को मिल सकता है, जैसे कि Huawei P20 Pro Mate में आने की उम्मीद है। अगली अपडेट की बात करें तो सैमसंग की तरफ से, सैमसंग ने अपने 2 नए फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं आज इंडियन मार्केट में। सैमसंग गैलेक्सी J4 Plus और सैमसंग गैलेक्सी J6 Plus, इन दोनों फ़ोन को 25 सितंबर से ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट से खरीदा जा सकता है। इन सैमसंग J4 Plus की प्राइज़ है 10,900 रुपये और सैमसंग J6 Plus की प्राइज़ है 15,900 रुपये। इन दोनों फ़ोन में साइड में फिंगरप्रिंट दिया जाता है, और सैमसंग J6 Plus में डबल रियर कैमरा कम्बिनेशन, और सैमसंग J4 Plus में सिंगल कैमरा। अगली अपडेट की बात करें तो गूगल की तरफ से, गूगल ने अपने एक और टीज में बताया कि गूगल पिक्सल 3 XL दोनों में फ्रंट साइड में डबल रियर कैमरे होंगे 8+8 मेगापिक्सल के, और गूगल पिक्सल 3 में एक नॉच नहीं होगी, गूगल पिक्सल 3 XL में नॉच होगी एक। और ये दोनों फोन्स एंड्रॉयड के 9.1 पे 5 पे ऑपरेट होंगे। अगली अपडेट की बात करें तो ट्विटर की तरफ से, माइक्रो ब्लॉकिंग ने स्वीकार किया है कि थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स के लिए एक बग था ट्विटर में, जिसे 3 मिलियन यूजर्स के डाटा को प्रभावित किया था। इस विषय में ट्विटर ने अपने एक ट्वीट में बताया कि इस मामले की प्रतिक्रिया देते हुए कि इसकी हमें 10 दिन पहले ही पता चली है, साथ ही इस बग को हम लोग जल्द ही दूर कर लेंगे। अगले अपडेट की बात करें तो वो रियलमी की तरफ से, रियलमी ने आज अपने एक टीज में बताया कि उसके आने वाले फ़ोन 3 वेरिएंट में लॉन्च होंगे, 4 GB रैम, 6 GB रैम और 8 GB रैम में। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी इंटरनल स्पेस की कोई स्पेक्स के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, और कंपनी के CEO माधव ने बताया कि ये तीनों वेरियंट 10,000 से 20,000 के रेंज में तीनों वेरियंट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस फोन में दमदार क्वालकॉम 660 प्रोसेसर दिया गया है, और ये डबल कैमरा कम्बिनेशन के साथ आता है 20+8 मेगापिक्सल के। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने पांडे टेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।